अरे क्या हो गया भैया, तूफान आ गया क्या? अरे भाभी आपको नहीं पता, आप नए आए हो ना, आज अमावस की रात है। और भाई कहाँ है उनको बताना। अरे भाई आप भी भूल गए क्या, आज अमावस की रात है और सारे दरवाजे ऐसे खुले पड़े हैं। छोटे काम कर, काम काम के सिलसिले में ना सब कुछ भूल गया, फटाक से दरवाजे बंद कर। चलो चलो पद्दा की छोड़ दिया। अरे हुआ क्या है, कोई मुझे भी बताएगा? और क्या है अमावस की रात? अरे भाभी आपको पता ही नहीं है क्या अभी तक, समझाओ ना भाभी। अमावस की रात को ना इस सोसाइटी में एक भूत घूमता है, और अगर किसी भी घर की लाइट और पर्दे खुले मिल गए ना तो उसे ऐसे चुटकी में उड़ा के ले जाता है। बहुत हादसे हो गए ऐसे, समझाओ भाई ने। पिछले साल एक दुल्हन ना ऐसे नीचे हवाबाजी में घूम रही थी, ऐसे चुटकी में उठा के ले गया उसको। आज तक नहीं पता वो दुल्हन कहाँ चली गई। हवाबाजी नहीं बेटा, आज आज की रात गुजार लो, कल जैसे मर्जी घूमना। अरे पागलो, भाग गई होगी किसी के साथ। और तुम क्या पुरानी हवेली मूवी देख के आये हो, तो तुम्हें सब जगह भूत प्रेत दिख रहे हैं। तुझे क्या पता, तू कल की आई हुई यहाँ पे एक्टिंग कर रही है। तुझे हमारी सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं पता तो ज्यादा मत बोल, रहना तो रह नहीं तो निकल। मैं अपनी सोसाइटी और अपने बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। तो एक काम करो, मुझे मेरे घर छोड़ के आओ, जहाँ ये भूत भूत का चक्कर हो ना मैं वहाँ रहना भी पसंद नहीं करती। तो क्या चाहती है तू, हम मर जाए जाके नीचे? या तो ये भूत का टंटा खत्म करो या मुझे मेरे घर छोड़ के आओ। एक काम कर, तू मेरे साथ आ भाई। अरे तू मेरे साथ आ। डर मत तू छोटे, तेरा भाई है, टेंशन मत ले। अरे भाई मेरी बात मान लो, अंदर भाभी बाहर भूत, हमें दोनों ही मारने के चक्कर में वापस लौट जाओ, समझे करो। भागना था? हाँ तेरे से तेज भागना था, भूत एक कोई तो मारेगा, चल। अरे चल देख बिल्कुल ध्यान से, ठीक है? तू उधर जा, मैं इधर जाता हूँ। अरे कहाँ ध्यान है तेरा, चल उधर कुछ दिख रहा मुझे, देख साथ में चलेंगे। चल चल टोपू, खड़ा हो। क्या होता है ये? चिंता मत कर, अब दिख गया ना, अब तो हम तीन हो गए। देख चिकू भी आ गया, चले चिकू। चलो चल चल मेरे भाई, चिंता मत कर, छोटे छोड़ेंगे नहीं इसको। आ जा जल्दी आ। अरे भैया क्यों करते हो ऐसा, मुझे तो पहले ही पता था ये सब अंधविश्वास है। हमारा टाइम खराब किया और हमारा कम से कम एक साल घर में घुसा कर रखा, तू नहीं समझ गया? मैं बताऊं मैंने अंधविश्वास क्यों फैलाया? क्यों फैलाया? ताकि मेरी बीवी डर के सो जाए और मैं दारू पी सकूं। और ये अंधविश्वास फैलाना हम जैसे लोगों का ये काम होता है। भेज के आओ इसको घर जहाँ पे इसका छोड़ गया इसको मेरा पौआ। नीचे जा।